इधर से इतना दूर है जितना दोजख। यही असल शैतान है। बताया नहीं है और इतना दूर लेकर आया मैं। थक नहीं गए? नहीं यार, इतना रह रहा है किला जिला यार। नाम बताते बताते पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी। तो आज दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया बाहर कहीं घूमने का। मुझे बिल्कुल इन्होंने बताया ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। तो कहते हैं चलो भाई इस तरफ घूमने चलते हैं। और अभी जब थोड़ा शहर से बाहर निकले तो पता चला कि भाई किला सैफुल्ला जा रहे हैं, और वो भी मोटरसाइकिलों पर। तो आज का हमारा सफ़र है लोरालाई से किला सैफुल्ला। उम्मीद यही करते हैं कि मज़ा आएगा। तो अल्लाह में खैर खैरियत से पूछा है, बस वहाँ पर थोड़ा घूमेंगे, खाना पीना होगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो चले रवाना होते हैं इंशाल्लाह। मोटरसाइकिल पर सफ़र का अपना ही एक अलग मज़ा है। हम दोस्तों ने इससे पहले भी मोटरसाइकिल पर कई यादगार सफ़र किए हैं, लेकिन वक्त की रफ्तार ने वो लम्हे तो हमसे छीन लिए, मगर वो हसीन यादें अब भी हमारे दिल और दिमाग में बसती हैं। तो इन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए हमने फिर से मोटरसाइकिल पर सफ़र करने का फैसला किया। ये है मेरा प्यारा बलूचिस्तान, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों का सीना चीरती हुई ये बल खाती सड़कें, यही तो यहाँ की खूबसूरती है। मुझे मेरी मिट्टी से बहुत प्यार है और मेरा दिली लगाव है। इस जमीन पर पड़े एक एक पत्थर से मुझे इश्क है। थक गए, अभी खड़े हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। हम लोग नहीं थके, ये थका है सिर्फ। ये बार बार रुक रहे, 5 मिनट के बाद ब्रेक लगाता है। मेरा वजन नहीं तो 40% रास्ता तकरीबन बाकी है, इंशाल्लाह पहुंचते हैं। यहाँ पर तकरीबन जितने भी साइड पे लगे हुए हैं रिफ्लेक्टर, तकरीबन सब की हालत ये है। ये एक तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, तो मैंने कहीं किसी को नुकसान पहुँचाया, मैंने इसे साइड पर कर दिया ताकि किसी का टायर पंचर ना हो और किसी को तकलीफ ना हो। तो अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं, इन चीज़ों से आप थोड़ा ख्याल रखा करें, अपने टायर को इन चीज़ों से बचाएं, ये बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तो हुकूमत को भी ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये मैं हूँ, ये सिकंदर, ये बिलाल साहब है, ये जलाल साहब है, ये रियाज साहब है, ये कैमरा मैन तायर साहब है। वाकई नाम बताते बताते किला सैफुल्ला पहुंच गए। तो हम पहले चलेंगे खाना खाने, फिर उसके बाद आपको किला सैफुल्ला शहर का विजिट करवाएंगे। तो हम पहले खाना खा लेते हैं, फिर आपको किला सैफुल्ला शहर दिखाते हैं। हमने यहाँ का रिवायती खाना रोश मंगवाया, काफी उम्दा और लजीज खाना था। खाना खाने के बाद हम काफी देर तक गपशप करते रहे, फिर हमने चाय मंगवाई। और फिर इस होटल को खुदा हाफिज कहा। चलिए आपको किला सैफुल्ला के थोड़े सैर कराएं।
अच्छे दोस्तों के साथ कोई सफर भी बुरा नहीं रहता, हमारा हर सफर ही अच्छा और यादगार होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए। और हमें दीजिए अगले वीडियो तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।